नमस्कार सर, आज आप देख रहे होंगे आपके सामने क्या है। ये बम्बूसा, ग्रीन बम्बूसा बोलते हैं जिसको। ये है बांस, ये कोई बंगाल का और कहीं का जंगल नहीं है। ये अपने दिल्ली के अंदर आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुना होगा, जिसमें फ़िलहाल मैं कार्य कर रहा हूँ। आप जिस माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं वो कमांडो, राज कमांडो इको क्लब, ये कोई संस्था ये नहीं है। ये मेरा एक पेज है, उसमें मैं जो वीडियो हैं अपनी आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो डाल देता हूँ। तो ये जो प्लांटेशन है, ये मैंने 2014 के अंदर मेरे हाथों से की हुई। ये गोल्डन बम्बूसा और ग्रीन बम्बूसा दोनों टाइप के लगाए थे, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा यहाँ आना फिर हुआ तो मैंने देखा तो थोड़ा दिल को सुकून मिला। एक दिल्ली के अंदर यार हम वो फीलिंग ले सकते हैं जो वेस्ट बंगाल डेल्टा वन के अंदर जो बम्बूसा हैं उनकी तरह। ये अभी तो टाइम लगेगा उस जैसे जंगल बनने में, लेकिन अच्छा महसूस होता है। जो हम काम करते हैं वो आगे चल के जब सक्सेस हो जाए या कामयाबी जब मिलती है तो उसके एक सुकून मिलता है हमारे दिल को भी और मन को भी। आज दोनों को हम सुकून मिला और बहुत अच्छा चला हुआ है। और इसके साथ साथ ये 2011 की और 12 की हमने प्लांटेशन की हुई थी, पहाड़ी पापड़ी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग चुड़ैल पापड़ी भी बोल देते हैं, पहाड़ी पापड़ी भी बोल देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये ज़्यादा की तो नहीं है, 2010 की और 11 की प्लांटेशन है। ये जिस टाइम मेरे पास थी ये मैंने एंड ओवर कर दिया था इसको 2017-18 में। उसके बाद इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपने दम पे है। ये देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धीरे धीरे विकसित हो रही है। ये पूर्ण रूप तो मेरे ख्याल में लेने में अभी 5-4 साल का और टाइम लगेगा। काफ़ी किस्में थी इसके अंदर, जैसे ये जिसको हम काला सरस बोलते हैं, केसी सामिया, ये भी हमने लगा रखा है, रीठा का भी लगा रखा है, और आकाश नीम की भी हमने इसके अंदर प्लांटेशन की हुई है, जो हमारी साइड तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन साउथ की साइड में बहुत ज़्यादा। एक हमने इसके अंदर जो प्लांटेशन की थी वो हमने की थी फ्रूट की, जंगली फ्रूट, ताकि यहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो बंदर किसी पे डिपेंड ना हो के उनका खाना जंगल के माध्यम से ही मिलता रहे, तो उस पर भी हमने विचार दिया। ये हमने लगाया था बेलपत्र का भी था, और ये खालसा, और ज़्यादा तो मैं वाकिफ नहीं हूँ इस पौधे से, लेकिन इसका नाम खालसा है। इसके बिल्कुल छोटे 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 बेर के जैसे लगते हैं, बंदर बड़े चाव से खाते हैं। बंदरों के लिए लगाया था और बंदरों ने इसको बहुत खाते हैं, मैं तो देखता हूँ इसमें। और ये रीठा, महुआ, और ये एक हमने कुछ शाखाएं लगाई थी कैथ, हम पी यूपी में बहुत होते हैं। ये जो आपको दिखाई देती है दे रही है ये कैथ है, आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कैथ। और ये शायद रीठा का ये वाला, ये इन्होंने बंदरों ने ये हालात कर रखी है इनकी, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा और आदमियों की हलचल है नहीं, इसकी वजह से ये हमारा उस टाइम का रूम है 2000 पोस्ट, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं, 2011-12 की प्लांटेशन जब ये हुई। ये देखो कैथ का, ये कैथ है,
हम्पी के लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस पेड़ से। ये हमने बीज दोबारा ही तैयार की थी यहीं। ये देखो प्लांटेशन कितनी अच्छी चारों तरफ से। और ये हैं जंगल जलेबी, इसको भी पक्षी और बंदर बड़े चाव से खाते हैं। तो आज आके जंगल के अंदर ये फिर हमने जो बाउंड्री थी हमारी उसके चारों तरफ हमने ग्रीन बम्बूसा का प्लांटेशन कर रखी है। जो खाई थी जेसीबी से जो खुदाई की गई उसमें हमने चारों तरफ बम्बूसा का रोपण कर दिया था उस टाइम। लेकिन इन्होंने आज बड़ा अच्छा लगा, इतना सुंदर रूप अपने आप को डाला है। पानी भी नहीं है इतना, उस टाइम तो हम इसको पानी देते थे लेकिन ये अब तो इतना पानी नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा लगा। आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे ये नेचुरली रूप ले रही है। और दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, यह आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कैसी लगती। ये दिल्ली में आसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है, इसमें काफ़ी प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, धीरे धीरे फल रही है, जो एक नेचुरली अपना जो रूप होता है वो धीरे धीरे ले रही है। ये है सागर कोटा, काफ़ी लोग जानते हैं इसको या नहीं जानते। उस टाइम भी मैंने इसमें बीज डलवाया था, ये सिर्फ इसीलिए डलवाया था कि ये नील गाय हमें परेशान करती थी प्लांटेशन में। लेकिन आज के दिन ये देख लो, कहीं भी नील गाय तो क्या इसमें के अंदर कोई सांप भी नहीं घुस सकता। ये देखो ये हर चारों तरफ का आपको दिखाई देगी। ये पूरे में हमने सागर कोटा डलवाया हुआ, उस टाइम डलवाया था, लेकिन ये आज बहुत ज़्यादा विशाल फैल चुकी है। और अभी इसका जो सीज़न है ये जनवरी फरवरी, इसका फ्रूटिंग का ये देखो, इसका बीज तैयार हो जाता है मार्च में। मार्च में इसको तोड़ के आप स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों आप लाइक करें, और कभी आपको फुर्सत हो तो इन नीली झील का आनंद लें। ये जो रास्ता है ये नीली झील को जाता है, इस जंगल का आनंद लें। बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, मैरोली छतरपुर से आप अभी तो एंट्री बंद कर चुके हैं, लेकिन तुगलकाबाद शूटिंग रेंज जिसको बोलते हैं वहाँ से फॉरेस्ट डिवीज़न है, आप टिकट लेके इसमें आराम से आप घूम सकते हो और प्राकृतिक से जुड़ सकते हो, जीव जंतु से जुड़ सकते हो। इसमें एक आनंद, यानी आपको दिल्ली का शोर शराबा प्रदूषण बिल्कुल साइड में, यानी कोई कह ही नहीं सकता आप दिल्ली के अंदर इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा वातावरण है। तो दोस्तों कभी आइएगा और आप इसके अंदर लुत्फ़ उठा सकते हैं। और बाकी आपको जो पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो मैं लाइक करने से मेरा तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है किसी का भला हो जाए। ओके बाय, नमस्ते, जय हिंद।